व्हाट इज लो कॉस्ट कैरियर, या फिर लो कॉस्ट कैरियर क्या है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि कैरियर का मतलब है एयरलाइन, ठीक है? तो एयरलाइन को हम कैरियर भी कहते हैं, ओके? अब बात हो जाती है लो कॉस्ट। इसके साथ साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाट इज हाई कॉस्ट कैरियर। हाई कॉस्ट कैरियर को हम फुल फ्लेज कैरियर भी कहते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि लो कॉस्ट एयरलाइन क्या है और फुल फ्लेज एयरलाइन या हाई कॉस्ट एयरलाइन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि बहुत सालों तक सिर्फ और सिर्फ फुल फ्लेज एयरलाइंस ही हुआ करती थी या हाई कॉस्ट कैरियर ही हुआ करती थी। तो अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं, तो जब कोई हवाई जहाज में जाता था तो उसको ऐसे फील करवाया जाता था जैसे वो कहीं के किंग हो, ठीक है? बड़े अच्छे से उनसे मिला जाता था, उनको बिठाया जाता था, बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता था हवाई जहाज के अंदर, और हवाई जहाज में बैठने से पहले भी, ठीक है, लाउंज वगैरह सर्विसेज दी जाती थी। पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, इन एयरलाइंस को अपने फेयर्स कम करने पड़े। जब इन्होंने अपने फेयर्स कम किए तो इन्होंने अपनी सर्विसेज को भी कम किया। तो यही फर्क है एक लो कॉस्ट एयरलाइन में या फुल फ्लेज एयरलाइन में। इसी से आपको समझ में आएगा कि एलसीसी क्या है और एचसीसी क्या है। तो एचसीसी या हाई कॉस्ट एयरलाइन वो एयरलाइन है जिनके अंदर आपको सारी स्टैंडर्ड सर्विसेज मिलती हैं, और लो कॉस्ट एयरलाइन जिनका एयर फेयर कम होता है और कुछ सर्विसेज उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है? तो लो कॉस्ट एयरलाइन का मतलब है जो एयरलाइन सस्ती है, जिसका फेयर सस्ता है और कुछ सर्विसेज उसके अंदर कम है, और दूसरे हाथ पर फुल फ्लेज एयरलाइन या फिर हाई कॉस्ट कैरियर जिनका फेयर थोड़ा ज्यादा जरूर हो सकता है पर उसके अंदर काफी सारी सर्विसेज भी एक्स्ट्रा होंगी। अब हम समझते हैं कि इन सर्विसेज में फर्क क्या है। देखिए, लो कॉस्ट कैरियर का मतलब है कि जिसके अंदर आपको फ्लाइट के अंदर खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? मोस्ट कॉमन डिफरेंस जो है, जो आपकी सीट होगी वो छोटी होगी, आपका लेग रूम कम होगा, और जो आप हवाई जहाज के अंदर लगेज ले जा सकते हो वो लगेज भी आप कम ले जा सकते हो। जो आपको अलाउ किया जाता है कि आप कितना केजी वेट ले जा सकते हो उसकी मात्रा भी कम होगी। और दूसरे हाथ पर जो हाई कॉस्ट कैरियर है उसके अंदर आप ज्यादा लगेज ले जा सकते हो, उसके अंदर आपको फ्लाइट में खाना मिलेगा अच्छा खाने के लिए, आपको ड्रिंक्स भी मिलेंगी और भी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होंगी, और आपकी सीट भी ज्यादा खुली होगी, लेग रूम ज्यादा होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट के ऊपर इन दोनों एयरलाइंस की जो लोकेशन होती है उस पर भी डिफरेंस आ जाता है। तो लो कॉस्ट एयरलाइन को पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट पे कहीं ज्यादा चलना पड़ेगा और हाई कॉस्ट एयरलाइन के लिए आपको इतना नहीं चलना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ नाम देता हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एयर इंडिया। एयर इंडिया एक फुल फ्लेज एयरलाइन है, एक हाई कॉस्ट कैरियर है, और गो एयर एक लो कॉस्ट कैरियर है, एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। इसके अलावा मैं आपको नाम देता हूं ब्रिटिश एयरवेज का। ब्रिटिश एयरवेज एक हाई कॉस्ट कैरियर है, एक फुल फ्लेज एयरलाइन है। स्पाइस जेट। स्पाइस जेट एक लो कॉस्ट कैरियर है, एक सस्ती एयरलाइन है। तो इनों के एयर फेयर में काफी डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया के अंदर एक और आपको एग्जाम्पल दूं तो वह है विस्तारा का। तो विस्तारा जो है वो एक फुल फ्लेज एयरलाइन है। एयर एशिया। एयर एशिया एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। कोड शेयरिंग। कोड शेयरिंग क्या होती है? देखिए, ये भी काफी कॉमन टर्मिनोलॉजी है और इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कोड शेयरिंग क्या है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि कोड शेयरिंग क्या है तो उसका सिंपल आंसर आप क्या देंगे? उसका सिंपल आंसर ये है कि ये एक मार्केटिंग टाई अप है। जैसे कि एयर इंडिया एयर मॉरिशियस की टिकट बेचती है अपने नाम से,
पर एयर इंडिया मॉरिशियस नहीं जाती। एयर मॉरिशियस और एयर इंडिया के बीच में जो टाई अप है उसे हम कोड शेयरिंग कहते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आप फ्लाइट लेते हैं, आप टिकट लेते हैं सिडनी जाने की सिंगापुर एयरलाइंस पे, ठीक है। आप दिल्ली से सिंगापुर एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और ये फ्लाइट आपको सिंगापुर में उतारती है जहां पर आपको एयरक्राफ्ट चेंज किया जाता है। जब आप एयरक्राफ्ट चेंज करते हैं तो आपको क्वांटस एयरलाइन में बिठा दिया जाता है, पर आपकी टिकट सिंगापुर एयरलाइन की है। तो एक्चुअली सिंगापुर और क्वांटस एयरलाइन के अंदर जो टाई अप है कि वो एक दूसरे की सीट बेच सकती है, तो उसे हम कोड शेयरिंग कहते हैं। इसी ढंग से जैसे कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं वाया लंदन, तो आपने टिकट ली ब्रिटिश एयरवेज की, दिल्ली से लंदन तक तो आप ब्रिटिश एयरवेज में गए, पर लंदन से न्यूयॉर्क आप अमेरिकन एयरलाइंस में गए, पर आपकी टिकट पे लिखा हुआ था ब्रिटिश एयरवेज, टिकट आपने ब्रिटिश एयरवेज की ली थी। तो यह इन दोनों एयरलाइंस की कोड शेयरिंग है। वन वे एयरफेयर और रिटर्न एयरफेयर क्या होता है, या वन वे एयरफेयर और रिटर्न एयरफेयर में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, आप समझिए कि आप सिडनी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं या आप ऑनलाइन भी चेक करते हैं दिल्ली से सिडनी की टिकट, ठीक है, सिर्फ जाने जाने की, दिल्ली से सिडनी की टिकट आ रही है 40,000 रुपए की, तो यह एक वन वे टिकट है सिर्फ जाने जाने की। फिर आप चेक करते हैं दिल्ली से सिडनी जाना और 4 दिन या 1 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद वापस आना, दोनों टिकटें आप इकट्ठी लेना चाह रहे हैं, तो यह टिकट आपको मिल रही है 55,000 रुपए की, क्योंकि यह एक रिटर्न एयरफेयर है। तो जब आपने वन वे एयरफेयर चेक किया तो वो 40,000 रुपए का था, दिल्ली से सिर्फ सिडनी जाना जाना 40,000 रुपए, पर दिल्ली से सिडनी जाना और अपनी मर्जी की तारीख पर वापस आना, अगर दोनों टिकटें आप इकट्ठे खरीदते हैं तो ये टिकट आपको सिर्फ 55,000 रुपए की मिल रही है, सिर्फ 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिटर्न एयरफेयर। तो जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, थोड़े से एक्सेप्शन जरूर हैं, पर ज्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको रिटर्न एयरफेयर हमेशा सस्ता देंगी। तो अगर आप दुनिया में कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो आने जाने की टिकट खरीदें। आपके क्लाइंट को नहीं मालूम है कि वो कब वापस आएगा तो आप उनको ओपन टिकट या फिर डेट चेंज की ऑप्शन दे सकते हैं, पर अगर आप आने जाने की टिकट इकट्ठी लेंगे और बेचेंगे तो वो टिकट आपको भी ज्यादा फायदा देगी, एयरलाइन को भी ज्यादा फायदा देगी और क्लाइंट को भी ज्यादा फायदा देगी। तो इसे हम कहते हैं रिटर्न एयरफेयर, जिसके अंदर आने जाने की टिकट है और जिसमें सिर्फ एक तरफ की है, तो उसे हम कहते हैं वन वे। वन वे महंगा होगा कंपेरेटिवली और रिटर्न एयरफेयर सस्ता होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी समझिए आप कि जो डोमेस्टिक एयरलाइन है, जैसे कि आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे से वापस दिल्ली आ रहे हैं, तो अगर आप आने जाने की इकट्ठी टिकट खरीद रहे हैं तो 8,000 रुपए की है, सिर्फ जाने जाने की खरीद रहे हैं तो वो 4,000 रुपए की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डोमेस्टिक के अंदर ये रूल नहीं अप्लाई होता। इसी ढंग से कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये रूल अप्लाई नहीं होता, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इनके बीच में ये रूल अप्लाई नहीं होता, या फिर यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। व्हाट इज राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप क्या है? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। राउंड ट्रिप का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली, तो यह एक राउंड ट्रिप है, ठीक है। आप दिल्ली से जहां गए वहीं से वापस दिल्ली आ गए, तो यह एक राउंड ट्रिप है, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज सर्कल ट्रिप। सर्कल ट्रिप क्या है? देखिए, राउंड ट्रिप
एंड सर्कल ट्रिप। नाम तो दोनों एक जैसे से लग रहे हैं पर दोनों में फर्क है। सर्कल ट्रिप या सर्कुचियस ट्रिप, सर्कल ट्रिप का मतलब यह है कि आप दिल्ली से पहले न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से फिर आप सैन फ्रांसिस्को गए, सैन फ्रांसिस्को से आप सियाटल गए, सियाटल से आप अलास्का गए, अलास्का से आप वैंकूवर गए, वैंकूवर से आप एम्स्टरडैम गए, एम्स्टरडैम से आप जेरूसलम गए, जेरूसलम से आप दिल्ली आए। तो आपने एक पूरा सर्कल लिया, पूरा सर्कल लिया, तो ये सर्कल ट्रिप है। तो ऐसा नहीं है कि आप जहां से गए वहीं से वापस आ गए, आप घूम कर आए। तो राउंड ट्रिप के अंदर हम जहां जाते हैं वहीं से वापस आ जाते हैं, और दूसरे हाथ पर जब हम सर्कल ट्रिप देखते हैं तो हम सर्कल लेकर आते हैं और डेस्टिनेशन से होकर आते हैं, तो उसको हम सर्कल ट्रिप कहते हैं। इंटरव्यू में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राउंड ट्रिप बताइए, तो आप उसका एग्जांपल दे दीजिए, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप सर्कल ट्रिप बताइए, और ये भी पूछा जा सकता है कि राउंड ट्रिप और सर्कल ट्रिप में क्या डिफरेंस है। आइटा एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है पर फिर भी एंट्री लेवल इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है, और इसका जवाब आपको वैसे भी आना चाहिए है। बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ट्रैवल कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं पर उनको आइटा एरियाज के बारे में नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड जो है, उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है नेचुरली, जो कि हमें मालूम है, ठीक है। पर आइटा ने, जिसने एविएशन के रूल्स बनाए हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हवाई जहाज उड़ते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली एयरफेयर डिसाइड होता है, उसने पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला पार्ट है आइटा एरिया 1 या फिर TC1 या फिर ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया 1, दूसरा है TC2 आइटा एरिया 2, और तीसरा है आइटा एरिया 3 या फिर TC3, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हैं एयरफेयर के, फेयर कैलकुलेशन के, वो इन एरियाज के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। अब इन एरियाज के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं ये भी आप समझिए। TC1 या आइटा एरिया 1 के अंदर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, ग्रीनलैंड भी आता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टीसी एरिया 2 या आइटा एरिया 2, इसके अंदर आपका यूरोप आएगा पूरा का पूरा, आपका मिडल ईस्ट आएगा जो कि एशिया का पार्ट है पर मिडल ईस्ट टीसी एरिया 2 में आ रहा है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टीसी एरिया 3 या आइटा एरिया 3, इसके अंदर आपका एशिया आएगा और आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा जो कि हमारा 6th कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो जो हमारा 7th कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो किसी एरिया में नहीं आता है क्योंकि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हैं आइटा के, आइटा एरिया 1, 2 एंड 3। तो 1 हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, 3 एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज आइटा एरियाज। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए कि देर आर 3 आइटा एरियाज, आइटा एरिया 1 नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, आइटा एरिया 2 यूरोप मिडल ईस्ट अफ्रीका, आइटा एरिया 3 एशिया ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया। टाइप्स ऑफ सीट्स इन एयरक्राफ्ट, ये बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप एयरपोर्ट पे नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ये इसका जवाब जरूर मालूम होना चाहिए है। अगर आप एयर टिकटिंग में नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपको इसका जवाब जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ सीट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, कुछ रोज की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो होगी, जिसके आगे और सीट्स नहीं है, दीवार हो सकती है, दरवाजा हो सकता है, तो फर्स्ट रो के अंदर लेग रूम ज्यादा होता है। आप अपनी टांगे अच्छे से आगे करके स्ट्रेच करके बैठ सकते हो, लेट सकते हो, नींद भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट रो कहते हैं, ठीक है।
इसी ढंग से एयरक्राफ्ट के अंदर इमरजेंसी गेट्स होते हैं, इमरजेंसी गेट के साथ जो सीट्स होती हैं वहां पर भी लेग रूम ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि सीट्स, तो इन्हें डिवाइड किया जाता है आयल सीट्स, आयल सीट का मतलब है जो किनारे की है, ठीक है, साइड में है जो, ठीक है, इसके साथ विंडो नहीं है, ये बीच में भी नहीं है, पर रास्ते की तरफ है, अपनी टांग जो है, जो रास्ता है जहां से लोग आ जा रहे हैं, तो आप वहां पर अपनी टांग को थोड़ा फैला सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये सीट बहुत अच्छी लगती है, जैसे अगर किसी को बार बार वॉशरूम जाना है और अगर उसको बीच में सीट मिल जाती है, या अगर उसको बीच में सीट मिल जाती है या उसको विंडो सीट मिल जाती है, तो वो परेशान होगा, उसको पूछ के जाना पड़ेगा कि सर मुझे जाने दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। तो उन लोगों को आयल सीट पसंद होती है। मिडल सीट, मिडल सीट कोई भी नहीं लेना चाहता है। मिडल सीट ज्यादातर वो लोग लेना चाहते हैं कि अगर माँ बाप ट्रेवल कर रहे हैं तो बच्चे को बीच में बिठा लिया, छोटा बच्चा है, ठीक है। फिर आ जाती है विंडो सीट, जिसके साथ विंडो है, जिससे आप बाहर झांक सकते हैं। तो ये तीन मेजर सीट्स हैं जिसका आपको मालूम होना चाहिए है। जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं एज एन एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, तो आप अपने जीबीएस में चूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से पूछ के कि उनको आयल सीट चाहिए है, मिडिल सीट चाहिए है, या फिर विंडो सीट चाहिए है। व्हाट इज बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग कार्ड क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। एयर टिकट तो हम सबको मालूम है कि हमने टिकट ली और उस टिकट के बदले हम जाकर हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, टिकट के बदले आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हैं। इस टिकट को आपको जाकर एयरपोर्ट पर दिखाना है और आपको एक कार्ड मिलेगा, बोर्डिंग कार्ड मिलेगा। जब तक आपके पास ये बोर्डिंग कार्ड नहीं है, तब तक आप हवाई जहाज के अंदर नहीं बैठ सकते, आप बोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम बोर्डिंग कार्ड कहते हैं। बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए टिकट का होना जरूरी है और हवाई जहाज के अंदर बैठने के लिए बोर्डिंग कार्ड का होना जरूरी है। बोर्डिंग कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा, आपकी सीट नंबर लिखी जाएगी, आपकी एयर टिकट के ऊपर टाइप ऑफ सीट लिखी जाती है, अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने पहले से चूज किया है या आपने चूज किया है, पर सीट का नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो सीट का नंबर बोर्डिंग कार्ड पे लिखा जाता है, एयरक्राफ्ट कौन से गेट से जाएगा, कहां से आपने बोर्ड करना है, हवाई जहाज के अंदर आपने किस गेट से बैठना है, उसका गेट नंबर यहां पर लिखा जाता है। तो इसे हम कहते हैं बोर्डिंग कार्ड, इसको दिखाकर आप हवाई जहाज के अंदर बैठ सकते हैं।